अभी आपने देखा कि TDS कम करने का तरीका, मतलब कि पानी में फिटकरी घुमा दें और उसके बाद उसको रात भर पड़ा रहने दें, और सवेरे आप देखेंगे तो नीचे मिट्टी की परत और संक्रमण मतलब जो जीवाणु हैं और मिनरल्स हैं वो नीचे जम जाएंगे, और उसके बाद इसको वापस से छान लें और छान करके काम में लें, तो इससे टोटल डिजोल्वेबल सॉलिड्स है वो कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप जब इसको छानते हैं तो दोहरा तिहरा कपड़े से छानें, जिससे थोड़ा कुछ तो कम होंगे। और साथ ही साथ देशी एक पद्धति है, उबाल के पिए, आप पानी को उबाल करके पिए तो भी उसका लाभ होगा। और जैन धर्म में बताते हैं कि मारिया पानी पीना, मारिया पानी का मतलब है कि उसमें शुद्ध राख को डिजोल्व करके डालते हैं, अथवा मतलब कोयले की मटकी, रेती की मटकी एक के ऊपर एक रख के, ऊपर रेती की मटकी और नीचे कोयले की मटकी, वो रख के और उसके बाद नीचे पानी की मटकी रखते हैं, और ऊपर से पानी फिल्टर होता हुआ नीचे आता है, मतलब बूंद बूंद करके नीचे गिरता है और वो शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार आप डिजोल्वेबल अशुद्धियों को कम कर सकते हैं। उबालना तो महत्वपूर्ण है ही है। ये आप देख रहे हैं TDS नापने का तरीका, और इसके इस मीटर के पश्चात मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं जो है बहुत पहले किडनी की पेशेंट हो चुकी हूँ 8 साल पहले, और तब डॉक्टर्स ने मुझे कहा था RO का पानी पियो अथवा फिल्टर किया हुआ पानी पियो, तो उसके पश्चात ही मैंने वाटर प्लांट लगाया, और उसी दौरान मैंने देखा कि एक व्यक्ति गिलास में पानी में कुछ केमिकल डाला और वो एकदम हरा हरा हो गया, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या पानी में इतनी अशुद्धियाँ हैं। दूसरी तरफ एक बार मैंने और किसी ट्यूबवेल का पानी देखा, उसके गिलास में जो है एक कुछ लिक्विड डाला और उसमें वो पानी लाल लाल हो गया, जिस प्रकार खून हो ना पानी में उसी प्रकार हो गया। तो हमें देखना होगा कि पानी की अशुद्धता बहुत आवश्यक है, पानी अगर हमारा पानी अशुद्ध होगा तो हम कितना ही दवाइयाँ लें, कितनी ही चरें, पेट की गैस, एसिडिटी और बीमारियाँ जो हैं वो हमारे को घर कर जाएंगी। इसलिए सावधान ये रहना चाहिए कि हमारा पानी शुद्ध हो। मैं आपको जो है इस शुद्धि के लिए RO, आप YouTube में कई RO वाले देखो देख सकते हैं, कई और वीडियो भी देख करके आप जानकारी ले सकते हैं।